हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ विश्वजीत। आप लोग कैसे हो जरूर बताएं। एंड मुझे आज ऐसा लगा कि आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं वो बातें आपको बताने आया हूँ जिन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा लोगों के सामने बोल पाओगे। पहला स्टेप ये है कि अपने बाहर एयर फ्लो को कैसे अप्लाई करना है। गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बाहर लोगों के सामने कैसे एयर फ्लो का यूज़ करोगे। हमेशा याद रखना, पहले के 8-9 वर्ड में अगर आप एयर फ्लो का यूज़ करते हो तो आपकी पूरा सेंटेंस आपका सही जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही था। मैं ज़्यादातर पहले 8-9 वर्ड को ही फोकस करता हूँ एंड अभी भी करता हूँ, ठीक है, तो मेरा सेंटेंस अच्छा जाता है। और जितना अगर कॉल अटेंड करते हो, फॉर एग्जांपल किसी का कॉल आया तो कॉल अटेंड करते हो, तो कॉल अटेंड करते टाइम भी आपने फेस स्माइल और पहले के 8-9 वर्ड में फोकस करो। साथ में जितना हो सके ना कॉन्फिडेंटली बात करिए, कॉन्फिडेंटली लोगों को समझाइए और जितना हो सके खुल के बात करिए, खुल के सेंटेंस बोलिए और दोस्तों से बात करिए, फैमिली मेम्बर से बात करिए और लोगों से बात करिए, अनजान से बात करिए। कॉल अटेंड जानबूझकर अटेंड करें, अपनी वीडियो में जानबूझ के बात करें, खुल के बात करें, दोस्तों से अच्छे से बात करें, उनको अच्छे से उसके बारे में समझाए। जैसे आपके सामने 20 लोग भी बैठे हैं तो उनके साथ भी आप खुल के बात करें। मत घबराएं कि आप स्टैमर हैं यार, आपके द्वारा जो कुछ हो सकता है, क्या पता और किसी के साथ और कोई इसको ना अच्छे से कर सके। आप में वो खासियत है, क्या पता ऊपर वाले ने आपको इसीलिए इस मतलब छड़ी में रखा है कि आप कुछ आगे बढ़ो, ठीक है। हमेशा लास्ट लाइन यही कहूँगा, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू सो मच एंड